जय साईं राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सभी बाबा को प्रतिमा पे, मूर्ति पे माला चढ़ाते हैं, घर की पूजा में भगवान को माला चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, और धोखे से जब वो माला गिर जाता है तो हम चिंतित हो जाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्या है इसका संकेत, क्या कहीं भगवान हमसे नाराज हैं या बाबा हमसे गुस्सा हैं या कुछ और। तरह तरह के ख्याल हमारे दिल में, दिमाग में चलते रहते हैं कि आखिर इसका क्या वजह हो सकता है कि जिसके कारण यह माला हमारा चढ़ाया हुआ जो गिर गया। इन्हीं बातों को लेकर बाबा के एक भक्त ने आज कमेंट किया है, जिनका नाम है आधीर सिंह जी, जिन्होंने कमेंट किया है कि हम 9 गुरुवार से साईं बाबा का व्रत मन्नत मांगे हैं और मेरे 5 गुरुवार का व्रत हुआ है। इन 5 गुरुवार में जब हम पूजा करने बैठते हैं और जब व्रत करना प्रारंभ करते हैं तो हर गुरुवार को साईं बाबा के फोटो से चढ़ा हुआ माला गिर जाता है, इसका क्या संकेत है। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि बाबा या भगवान, जिसकी भी आप पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, व्रत के दौरान, पूजा के दौरान, अगर आपके द्वारा चढ़ा हुआ फूल माला अगर गिरता है तो इसका यह संकेत है कि एक शक्ति, जिस शक्ति की आप पूजा कर रहे हैं, जो जैसे आप बाबा की पूजा कर रहे हैं, बाबा वह आपके आसपास हैं और आपकी प्रार्थना सुन रहे हैं, आपकी मनोकामना सुन रहे हैं और आपके ऊपर अपनी अपार कृपा बनाए रखे हुए हैं। इस कारण इसका यही संकेत है कि बाबा आपसे प्रसन्न हैं और आपकी मनोकामना बहुत जल्द पूरी होने वाली है। हम जब भी मंदिर में भी जाते हैं, जब माथा टेकते हैं तो अचानक प्रतिमा से माला फूल गिर जाता है, हमारे ऊपर गिर जाता है या हमारे किनारे पे गिर जाता है। तो इसका यही संकेत है कि भगवान आपकी भक्ति से प्रसन्न हैं और आपके ऊपर अपनी अपार कृपा करने वाले हैं। तो आप सभी को यह जानकारी अगर अच्छी लगी हो, आप वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल पे प्रेस जरूर करें। हम मिलेंगे अगली बार एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम साईं राम।